जैसर छोटूराम साथियों, जनवरी सन 1891 में छोटूराम जी ने अपने गांव से 12 मील की दूरी पर स्थित मिडिल स्कूल झज्जर से प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद झज्जर छोड़कर उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया, लेकिन उनके लिए फीस और शिक्षा का खर्चा वहन करना बहुत बड़ी चुनौती थी। सर छोटूराम जी ने अपने ही शब्दों में कि सापला के साहूकार से जब पिता पुत्र कर्जा लेने गए थे तो अपमान की चोट जो साहूकार ने मारी थी वो छोटूराम को एक महामानव बनाने की दिशा में एक शंखनाद था। छोटूराम के अंदर का क्रांतिकारी युवा जाग चुका था। अब तो छोटूराम हर अन्याय के विरोध में खड़े होने का नाम हो गया था। क्रिश्चियन मिशन स्कूल के छात्रावास के प्रभारी के विरुद्ध भी छोटूराम के जीवन की पहली विरोधात्मक हड़ताल थी। इस हड़ताल के संचालन को देखकर छोटूराम जी को स्कूल में जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटूराम जी ने दिल्ली के अत्यंत प्रसिद्ध सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। छोटूराम जी ने अपने जीवन के आरंभिक समय में ही सर्वोत्तम आदर्शों और युवा चरित्रवान छात्र के रूप में उन्होंने धर्म को अफीम समझा और आर्य समाज को भांपने के लिए उनके कार्यक्रम में जाया करते थे। सन 1905 में छोटूराम जी ने काला कांकर के राजा रामपाल सिंह के सह निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया। और यही नहीं, सन 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन भी किया। यहाँ से छोटूराम जी आगरा में वकालत की डिग्री करने आ गए। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटूराम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।